बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि अब एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बीसीसीआई की मुंबई के इंडियन क्रिकेट सेंटर में आयोजित 28वीं वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम के बाद सौरभ गांगुली ने कहा कि आप अपने कार्यकाल से आगे काम नहीं कर सकते। कप्तान सौरभ गांगुली ये कह चुके हैं कि बीसीसीआई के पुराने संविधान के मुताबिक चयन समिति का कार्यकाल 4 साल से ज्यादा समय का नहीं हो सकता। वहीं संविधान संशोधन के बाद ये टर्म 5 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी इससे सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। लेकिन एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली राज्य चयन समिति का 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यानी कि यहाँ पर दादा ने कह दिया है एमएसके प्रसाद और उनकी टीम को कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और भारतीय क्रिकेट की चयन समिति से दूर हटिए। आपको बता दें कि एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने बड़े बड़े खिलाड़ियों के करियर को खत्म किया है, जिसमें युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर रखा गया है, वहीं दादा की अध्यक्षता में यहां पर एमएसके प्रसाद का पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा था और अब बीसीसीआई अब पूरे तरीके से वापस आ चुका है। तो अब ये बड़ी बात है कि एमएसके प्रसाद के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। खबरें हैं कि बहुत जल्द टीम इंडिया के किसी पूर्व खिलाड़ी को यहाँ पर बीसीसीआई का अध्यक्ष की तरफ से एमएसके प्रसाद की जगह बीसीसीआई का चयनकर्ता और मुख्य चयनकर्ता बनाया जा सकता है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।